हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती कर दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों को बिना मास्क अब प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक व पर्यटन स्थलों व खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यालयों में भी 2 गज की दूरी रखने का निर्णय किया गया है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्तुति भी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और उच्च सकारात्मक दर पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और इंडोर और आउटडोर सभाओं में फेस मास्क पहनना चाहिए ताकि इसके प्रसार को रोका जा सके। प्रदेश में गुरुवार को 930 और लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,239 पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में 76 मरीज ही उपचाराधीन हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान हिमाचल में 5,000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग हो रही है। इसे 7 से 8,000 तक करने की बात कही गई है।